अस्सलाम वालेकुम सज्जनों, तो मेरे मकरंदा मित्र, तो कैसे आप सभी लोग। तो चलिए भी आज की स्टोरीज़ की बात करते हैं। तो मेरे पास बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो फर्स्ट स्टोरी की बात करते हैं जो कि डक्की भाई के बारे में। तो डक्की भाई ने अपने चैनल पर Q&A वीडियो अपलोड की, जहाँ पर लोगों ने उनसे क्वेश्चन पूछे हुए थे गर्मी चढ़ गई पार्ट 5 कब आएगा। तो इसी सब का आंसर देते हुए उन्होंने कुछ ये कहा। अगर आप लोग उनकी वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, तो जाकर आप देख सकते हैं। गर्मी चढ़ गई का नेक्स्ट पार्ट आएगा या फिर हम उम्मीद छोड़ दें। यार मुझे पता है कि मैं हर वक्त सिर्फ बकवास करता रहता हूँ कि गर्मी चढ़ गई आ रही है, गर्मी चढ़ गई आ रही है। उसने क्या फ्लाइट करवा के आना है, या उसका वीजा नहीं मिल रहा, या पासपोर्ट गुम गया जो वो आ ही नहीं रही। ये ठंडी थी, बड़ी ठंड होगी यार, बड़ी ठंड होगी है। उम्मीदें नहीं छोड़नी, लेकिन आएगा जरूर, लाजमी आएगा, उसकी टेंशन नहीं है। नहीं भाई, जैसे ही आपके भाई को मिल जाएंगे 4-5 दिन वेले, गर्मी चढ़ी आ जाएगा। सर्दियों में नहीं आएगी, सर्दियों में यार धुंध हो जाती है यार, रात को मजा नहीं आता, 5 बजे के बाद फ्लॉप सीन है भाई। तो जो लोग डक्की भाई को शुरू से देख रहे होंगे, आप लोगों को पता होगा कि गर्मी चढ़ गई सीरीज इनकी बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि ऑलरेडी 4 पार्ट उन्होंने अपने चैनल पर अपलोड करके रखे हुए हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, तो जाकर आप देख सकते हैं। इसी Q&A वीडियो में उन्होंने कुछ ये भी बताया कि वो अपने गेमिंग चैनल पर इनएक्टिव क्यों है, मतलब कि एक्टिव क्यों नहीं हो रहे अपने गेमिंग चैनल पर। तो इसी सब पर बात करते हुए कुछ ये कह रहे थे। गेमिंग चैनल पे एक्टिव क्यों नहीं हो? यार मैं जो हूँ ना, स्मार्ट बंदा हूँ भाई, तरीके से चलता हूँ यूट्यूब पे, ऐसे नहीं कि भाई यहाँ पे वहाँ पे नहीं। जिस चीज का ट्रेंड आना होता है ना, वो उठाते हैं हम। मुझे वैसे भी पता है कि 2022 के अंदर गेमिंग का आएगा डिक्लाइन ग्राफ, और अब तुम लोग खुद ही देख लो ना, कोई पाकिस्तान में गेमिंग चैनल उठा, जिनके उठे भी हुए थे चैनल उनके भी डेड हो गए। तो गेमिंग का मुझे वैसे भी पता है 2022 के अंदर कोई सीन नहीं है, तो इसलिए मैंने 2021 में ही छोड़ के जो है ना साइड पे रखा हुआ था। 2022 में बस कभी कभी वीडियो डाल दी, एक्टिव नहीं था। जब वापस ट्रेंड आएगा गेमिंग का तो मैं एक्टिव हो जाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। तो चलिए अगली स्टोरी की बात करते हैं, जो कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था, जो कि इनकी कॉन्ट्रोवर्सी थी, जिनमें माहिरा खान, कुबरा खान, सजल अली और महवश हजात, इनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वहां पर मैं डिटेल में बता चुका हूँ, तो जाकर आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, तो जाकर देख लेना प्लीज। तो पिछले कुछ दिन पहले कुबरा खान ने बताया था कि वो केस करेंगी आदिल राजा पर, तो फाइनली कुबरा खान ने इनके अगेंस्ट फाइल कर दिया पिटीशन सिंध हाई कोर्ट में, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसी पर इन्होंने बताया कि ये सब कुछ फेक है, जिन सियासतदानों के साथ मेरी वीडियोस को लगाया जा रहा है वो सभी फेक्स वीडियोस हैं, जो कि उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में ये केस फाइल कर दिया है। तो इसी सब पर कुबरा खान बताती है कुछ ये कह रही थी। अगर आप लोग ये पोस्ट पूरी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, या वीडियो को पोस्ट करके आप पूरी पोस्ट पढ़ सकते हैं। तो इस पोस्ट का मतलब आप लोगों को समझा देता हूँ कि इन्होंने बताया कि कुछ 4 डेज में मेरी फैमिली को और मुझे बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जो कि आप लोग समझते हैं किस वजह से, जो कि इनका नेम लिया जा रहा था, अब इन्होंने इनके अगेंस्ट फाइल कर दिया केस। और उन्होंने ये भी बताया कि कुछ सियासतदानों के साथ जो कि मेरी वीडियोस को अटैच किया जा रहा था, ये सब फेक्स वीडियोस है जो किसी सियासतदान के साथ लगाई जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि ये PTA और FIA को भी इन्होंने बताया है कि जो अगेंस्ट मेरी वीडियोस बनी है, जो कि वल्गर है, मींस के लीक वाली वीडियोस, वो रिमूव की जाए। उन्होंने कुछ इंस्टाग्राम के पेज और ट्विटर के पेज भी बताए हैं। तो अभी तक आदिल राजा की तरफ से इस पर कोई रिप्लाई नहीं आया, अगर आता है तो आप लोगों को यहाँ पर बता दूंगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दीजिएगा, और वीडियो को भी लाइक कर देना यार, और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताया करें। तो चलिए अगली स्टोरी की बात करते हैं, जो कि शारम की स्केच बुक के बारे में। उन्होंने कहा, अ नोट फॉर द न्यू यूट्यूब एनिमेटर, समवन रिसेंटली फॉरवर्डेड अ फ्यू क्लिप्स मेड बाय सम न्यू एनिमेटर्स, फेल्ट सो ग्लैड दैट पीपल आर फाइनली कंसीडरिंग एनिमेशन एज अ मीडियम फॉर कॉन्टेंट क्रिएशन। आई जस्ट हैव अ ब्रदरली एंड हम्बल एडवाइस फॉर द न्यू एनिमेटर्स, रीड द नेक्स्ट स्टोरी। उन्होंने बताया है कुछ न्यू यूट्यूब एनिमेटर्स हैं, तो मुझे एक दोस्त ने मुझे कुछ वीडियोस भेजी हैं कि कुछ यूट्यूबर्स जो कि आपके ही कंटेंट सेम मींस के कॉपी तो नहीं करते, जो कि उनका ब्रांड होगा, जो कि आप उनके लोगोस को देखते होंगे, तो सेम टू सेम ऐसे एनिमेटर्स जो कि वीडियोस वगैरह बना रहे हैं उनके लिए। उन्होंने ये बताया कि यू ऑल द नो दैट एनिमेशन टेक्स अ लॉट ऑफ योर एफर्ट्स एंड टाइम, मोस्ट ऑफ द वर्क दैट आई केम अक्रॉस इज वंडरफुल, बट आई वी सीन अ फ्यू इंस्टेंस वेयर पीपल आर लिटरली डुप्लीकेटिंग दैट वीडियो इन माई चैनल, सेम एफर्ट, सेम फॉर्मेट, सेम करेक्टर डिजाइन, सेम थीम एंड सम केसेस द करेक्टर एंड माउस वर इवन ट्रेस, सो आई अंडरस्टैंड दैट यू गाइज आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ योर अपना स्टाइल विद द डेवलप हो जाएगा, बट आई
also know that you guys are putting in hard work. Why not use the same efforts creation original work that is not just another rip-off that's already available. That's how you will grow. तो अगर यार मैं पोस्ट को पढ़ना शुरू कर दूं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। आप लोगों को बस इतना बता देता हूं कि उन्होंने बताया है कि कुछ लोग सेम कंटेंट बना रहे हैं, मींस के करेक्टर सेम है बट कंटेंट और उनके एफर्ट्स बहुत ज्यादा लग रही हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि मेरी आइडेंटिटी एंड लोगों की अब वैल्यू है, मतलब कि उनका वो ब्रांड बन चुका है। आप लोग इस तरह की वीडियोस मत बनाएं। मुझे पता है आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी करें, मतलब कि अपना लोगो लेकर आए, अपनी एनिमेशन, न्यू एनिमेशन क्रिएट करें। आप लोगों इन फ्यूचर लोग ये ना कहेंगे कि शारम की स्केच बुक की आप लोगों ने कॉपी की है, इसलिए आप जल्दी से अपना कॉन्टेंट चेंज कर लें। तो आप लोग इस पर एग्री करते हैं कि नहीं, कॉमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। तो चलिए भी आज के लिए भाई यही न्यूज थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई और ऐसा कॉन्टेंट देखना आप लोग पसंद करते हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये देख लो पहले। पहले मैं तुम लोगों को ट्रेस करके तुम लोगों के घर के अंदर वर के तुम लोगों को तुम्हारे सोफे से उठा के तुम लोगों के घर के बाहर कुट लगानी शुरू कर दूं। भाई मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ यार, बंदर का पुत्र बनो। तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।